Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we are going to discuss an important story, The Monkey's Paw. Ek darawni kahani, ek horror story, jise W.W. Jacob ne likha hai. Us kahani ko hum samajhne ka prayas karenge. Tantra mantra ke ird gird ulji hui kahani, जादू तिलिस्म को बताने का प्रयास किया गया है। जादू तंत्र मंत्र ऐसी कोई चीज होती तो नहीं है, पर इस प्रकार की कहानियों को लिखा जाता है, लिखा जा रहा है कई सदियों से, कई सालों से। लोगों को इस प्रकार के जानवर भी पसंद है, इस प्रकार की कहानियों को सुनना समझना लोग पसंद करते हैं। कहानी है, कहानी के तौर पर ही हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जिस राइटर ने इस कहानी को लिखा है उनका नाम है W.W. Jacobs. The Monkey's Paw is a horror short story by English author W.W. Jacobs, first published in the collection of The Lady of the Barge in 1902. In the story, three wishes are granted to the owner of the monkey's paw. ये कहानी का थीम ऐसा है कि जिसके पास मंकी का एक पंजा है, बंदर का पंजा है कटा हुआ, उसे जिस व्यक्ति के पास है उसकी तीन इच्छाएं मानी जाती है, कबूल हो जाती है। बट द विशेस कम विद एनार्मस प्राइस फॉर इंटरफेयरिंग विद फेट, पर किस्मत के साथ में, भविष्य के साथ में छेड़छाड़ करने के एवज में उसे उसकी कीमत भी अदा करनी होती है। इस कहानी में जिस फैमिली को बताने का प्रयास किया गया है वो किस प्रकार से कर्नल मॉरिस से उस पंजे को हासिल करते हैं और कौन सी इच्छाएं मांगते हैं और उनको उन इच्छाओं के बदले में कौन सी कीमत देनी पड़ती है, अदा करनी पड़ती है, इसी कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग तीन पार्ट्स में स्टोरी को डिवाइड किया गया है और पहले पार्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। पार्ट वन ओपन्स विद डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट्स As the three members of the White family relax inside their comfortable house. एक कोसी रूम में, जिसको comfortable house कहा गया है, एक शाम का समय है, बिल्कुल अंधेरा है और तूफान से भरी हुई रात है और घर के तीन मेंबर बिल्कुल आराम से comfortably उस फायर के इर्द गिर्द अपने कमरे में बैठे हुए हैं। जब भी डरावनी कहानियों को आप सुनेंगे, समझेंगे या देखेंगे तो इस प्रकार का एक माहौल राइटर क्रिएट करते हैं। हर्बर्ट वाइट एंड हिज फादर आर प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस व्हाइल मिसेस वाइट नीड्स नियर द फायर। तीन अलग अलग कैरेक्टर्स को, किरदारों को जैकब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। हर्बर्ट वाइट जो बेटा है, उनके पिता है मिस्टर वाइट और माँ है मिसेस वाइट, ये तीनों आजू बाजू में बैठे हैं। मिस्टर वाइट और हर्बर्ट वाइट चेस खेल रहे हैं और मिसेस वाइट जो है वो स्वेटर बुनने का काम कर रही है फायर के आजू बाजू में बैठकर। आफ्टर हिज सन विंस मिस्टर वाइट कंप्लेन्स अबाउट द टेरिबल वेदर एंड नियरली डेजर्टेड रोड दे लिव नियर। जिस निर्मनुष्य रास्ते के आजू बाजू में उनका मकान है, घर है, वो कंप्लेन करते हैं। भयानक सा माहौल, वातावरण भी है, माहौल तूफान से भरी हुई रात दिख रही है और रास्ते पे किसी का आना जाना भी नहीं है, इस बात की वो शिकायत भी करते हैं हारने के बाद में। इतने में एक फैमिली फ्रेंड सर्जेंट मेजर मॉरिस वहां पर आते हैं, अराइव्स फॉर अ विजिट, मुलाकात करने के लिए। ओवर विस्की ही टेल स्टोरीज ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स अब्रॉड। बाहर के देशों में घूमने का शौक है सर्जेंट मेजर मॉरिस को और वो जब भी इनसे मिलने के लिए आते तो वहां की बेहतरीन कहानियां जो उन्होंने सुनी है, देखिए, वो कहानियां आकर बताते हैं। मिस्टर वाइट एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट इन गोइंग टू इंडिया। मिस्टर वाइट वहीं पर बैठे हैं, मॉरिस की बातें सुन रहे हैं और इंडिया जाने का इंटरेस्ट वो बताने का प्रयास करते कि उन्हें बहुत रुचि है, वो इंडिया जाना चाहते हैं। But the sergeant major Morris says he would be better off staying at home. Major Morris उनको suggest करते कि आप घर में ही रहे तो बेहतर है। At Mr. and Mrs. White's urging, sergeant major Morris takes a small mummified paw out of his pocket. और जब
मिस्टर वाइट और मिसेस वाइट दोनों बहुत ही उनको फोर्स करते हैं, तो वो अपनी जेब से एक ममीफाइड एक बंदर का टूटा हुआ पंजा उनके पास है जिसे उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, वो अपनी जेब से वो मंकीज पॉ बाहर निकालते हैं। He explains that a fakir placed a spell on the paw to prove that the people's lives are governed by fate and that it is dangerous to meddle with fate. वो बताते हैं कि इस पंजे को उन्होंने भारत से लाया, इंडिया से लाया, और एक फकीर ने एक जादू उस पर डाला है पंजे के ऊपर। अब उस साधु ने जो भी जादू डाला है वो भविष्य को नियंत्रित करता है, आपकी किस्मत को नियंत्रित करता है, और ये डेंजरस है। अपने भविष्य के साथ, अपने भाग्य के साथ, अपनी किस्मत के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसके भयानक परिणाम भी आपको भुगतने होंगे। अकॉर्डिंग टू द सार्जेंट मेजर, थ्री मेन कैन विश ऑन द पॉ थ्री टाइम्स ईच। अब इस पंजे की खासियत तो बताने, जिस बंदर का एक टूटा हुआ पंजा उनके जेब से उन्होंने बाहर निकाला था, एक भारतीय साधु ने उसके ऊपर मंत्र मार दिया था, मंत्र फूंक दिया था। और इस पंजे की खासियत है कि तीन लोगों की तीन अलग अलग इच्छाएं पूरी करने की क्षमता इस पंजे में है। अब कौन कौन सी इच्छा करता है और पंजा क्या करता है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। द सार्जेंट मेजर हिमसेल्फ हैज ऑलरेडी हैड थ्री विशेस, एज हैज अनदर मैन Who used his third wish to ask for death. अब मेजर मॉरिस ने उस पंजे की करामत देखी, उनकी तीनों इच्छाएं पूरी हुई, और as another man, और दूसरे एक व्यक्ति ने भी ट्राई किया, who used his third wish to ask for death. और तीसरे जिस व्यक्ति ने और दूसरे व्यक्ति ने इस पंजे से अपनी इच्छाएं मांगी थी, तो तीसरी इच्छा उसने मौत मांगी। ऐसा क्या जादू है इस पंजे में कि दूसरे व्यक्ति ने इस पंजे से अपनी आखिरी इच्छा मौत की मांगी। द सार्जेंट मेजर हैज कंसीडर्ड सेलिंग द पॉ। ऐसा लग रहा है कि सार्जेंट मेजर मॉरिस इस पंजे को बेचना चाहते हैं, बट ही डजंट वांट इट टू कॉज एनी मोर ट्रबल देन इट ऑलरेडी हैज। पर वो ये भी चाहते हैं कि ये जो मंकीज पॉ है, ये बंदर का जो पंजा है उनके पास, ये किसी भी प्रकार का और नुकसान किसी को ना करे। Moreover, no one will buy the paw without first seeing the proof of its effect. पर मेजर मॉरिस जो कह रहे हैं उसके ऊपर विश्वास कैसे करें, यकीन कैसे करें? हो सकता है ये पंजा नकली हो, उसका कोई जादू असर ना दिखाए, इसलिए मिस्टर एंड मिसेस वाइट सोचते हैं कि बिना उसका जादू देखे कैसे विश्वास कर ले, कैसे खरीद ले। द सार्जेंट मेजर थ्रोज द पॉइंट टू द फायर। इस बात को सुनकर मेजर मॉरिस उस पंजे को आग में फेंक देते हैं एंड मिस्टर वाइट क्विकली रेस्क्यूज इट। पर मिस्टर वाइट अपने आप को रोक नहीं पाते, तुरंत उस पंजे को आग से निकाल लेते हैं एंड द सार्जेंट मेजर वॉर्न्स हिम थ्री टाइम्स टू लीव द पॉ अलोन। मेजर मॉरिस मिस्टर वाइट को वॉर्न करते हैं, उस पंजे को फेंक दीजिए, छोड़ दीजिए, अकेला रहने दीजिए, उसको अपने पास लाने की कोशिश ना करें। बट ही इवेंचुअली एक्सप्लेन हाउ टू मेक अ विश ऑन द पॉ। पर जैसे ही मिस्टर वाइट उस पंजे को निकाल लेते हैं, वार्निंग देने के साथ साथ इस पंजे से विश कैसे मांगी जानी चाहिए ये भी मिस्टर मॉरिस बता ही देते हैं। मिसेस वाइट सेज द स्टोरी रिमाइंड्स हर ऑफ द अरेबियन नाइट्स एंड जोकिंगली सजेस्ट दैट हर हस्बैंड विश हर अ पेयर ऑफ एक्स्ट्रा हैंड्स टू हेल्प हर विद ऑल हर वर्क। मिसेस वाइट को तो ये मजाक लगता है, ऐसा कोई पंजा हो नहीं सकता। अरेबियन नाइट्स की कहानियों में इस प्रकार की किस्से सुनाई देते हैं, अगर पति को मांगना ही है तो मेरे लिए और एक्स्ट्रा पेयर मांग ले हाथों के, ताकि मैं घर के सारे कामकाज कर लूं। द सार्जेंट मेजर डजंट फाइंड हिज जोक फनी। पर मेजर मॉरिस को पता था कि इस पंजे में जादू है और उसको बिल्कुल ये मजाक नहीं लग रहा था। हाउएवर एंड अर्जेस मिस वाइट टू यूज कॉमन सेंस इफ ही इंसिस्ट ऑन विशिंग। पर मेजर वॉरिस जाते समय एक वार्निंग दे के जाते हैं, अब जब भी इस पंजे से तीन इच्छाओं के बारे में पूछेंगे फुलफिल करने के लिए, तो जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, हड़बड़ाहट में किसी भी इच्छा को मांग मत लेना, क्योंकि
जो भी इस पंजे से इच्छाएं मांगेगा उसकी कीमत भी उसको अदा करनी है। आफ्टर सपर एंड मोर टेल्स ऑफ इंडिया द सार्जेंट मेजर लीव्स। खाना हो गया रात का, अब इंडिया के बारे में बहुत सारी कहानियां मेजर मॉरिस ने बताई और वो वहां से चले गए। अब मेजर मॉरिस तो वहां से चले गए, पर उनका लाया हुआ मंकी का पॉ, जो बंदर का पंजा है, वो मिस्टर वाइट के पास है। हर्बर्ट सेज ही थिंक्स द सार्जेंट मेजर इज फुल ऑफ नॉनसेंस। हर्बर्ट जो उनका बेटा है वो कहता है कि मेजर मॉरिस जो पंजा लाए कोई मूर्खता वाली बात है, पागल आदमी है बोले। एंड जोक्स दैट हिज फादर शुड मेक हिमसेल्फ एन एम्परर सो दैट ही डजंट हैव टू लिसन टू मिसेस वाइट्स नैगिंग। माँ के रोज के किटपिट सुनने से अच्छा है कि पिता अपने आप को सम्राट बनने का वरदान मांग ले इस पंजे से, ताकि झंझट से मुक्त हो जाए। ऐसा मजाक करके वो वहां से निकल जाता है। इन मॉक एंगर मिसेस वाइट प्लेफुली चेसेस हर सन, और माँ भी बेटे के पीछे पीछे चली जाती है। मिसेस वाइट सेज ही हैज एवरीथिंग ही वांट्स एंड इजंट श्योर व्हाट टू विश फॉर। मिस्टर वाइट कहते हैं कि सारी तो चीजें हैं हमारे पास, ऐसे तो मुझे कोई इच्छा लग नहीं रही कि मैंने मांग लेना चाहिए। हर्बर्ट सेज दैट 200 pounds वुड एनेबल देम टू पे ऑफ द मनी ओड फॉर द हाउस। हर्बर्ट उनका बेटा है, उनको सजेस्ट करता है कि अगर आप पंजे के जादू को परखना चाहते हैं तो 200 pound मांग लीजिए, ताकि जो कर्जा लिया है घर के लिए उसे हम चुका सके। मिस्टर वाइट विशेस अलाउड फॉर 200 pounds as Herbert accompanies him with a melodramatic chords played on the piano. वो पियानो पर melodramatic chords बजाता है, और फिर मिस्टर वाइट एक इच्छा जाहिर करते हैं, मुझे 200 pound दे दिए जाए। उस पंजे के सामने मिस्टर मॉरिस ने बताए हुए तरीके से इच्छाएं मांग लेते हैं। मिस्टर वाइट सडनली क्राइज आउट एंड सेज दैट द पॉ मूव्ड लाइक अ स्नेक इन अ सैंड। अचानक मिस्टर वाइट घबरा जाते हैं और वो बताते हैं कि इस पंजे ने मूव किया है, उसके उनके हाथों में हलचल हुई है सांप की तरह। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, पंजे का हिलना शुरू हो गया सांप की तरह, ऐसा वो बताते हैं। आफ्टर मिस्टर एंड मिसेस वाइट गो टू बेड, हर्बर्ट सीट्स बाय द फायर एंड सीज अ विविडली रियलिस्टिक मंकीज फेस इन द फ्लेम्स। मिस्टर एंड मिसेस अपनी इच्छा मांग कर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर वाइट ने इच्छा तो मांग ली, पर इमीडिएट नतीजा कुछ दिख नहीं रहा है। हर्बर्ट बैठा है फायर के आजू बाजू में, और उसको फायर में भी बंदर के चेहरे की अलग अलग प्रतिमाएं उस आग के लपटों में दिख रही है। ही पुट्स आउट द फायर टेक्स द मंकीज पॉ एंड गोज टू बेड। अब वो आग बुझा देता है एंड टेक्स द मंकीज पॉ, मंकी का पॉ ले लेता है और सोने के लिए चला जाता है हर्बर्ट। यहाँ से कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। जेकब अपनी कहानियों को एक अलग तिलिस्म की ओर ले जाते हैं। पार्ट टू बिगिंस ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अ सनी विंटर डे। सुबह है, ठंड है, और इस ठंड के मौसम की वो सुबह है। द रूम सीम्स चेयरफुल एंड नॉर्मल इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द प्रीवियस इवनिंग्स ग्लूमी एटमोसफियर एंड द ममीफाइड पॉ नाउ लुक्स हार्मलेस। पिछले रात में एक तो अंधेरा था, मिस्टर मॉरिस उस पॉ को लेके आए थे, और डरावनी रात थी, माहौल भी तूफान से भरा हुआ था, तो वो एक टोटल डरावना माहौल था। पर आज की सुबह जरा फ्रेश है, चेयरफुल है, और वो जो ममीफाइड पॉ था, प्रिजर्व किया हुआ जो पंचर था, वो भी अभी हार्मलेस लगता है। ऐसा लगता है वो कोई नुकसान कर नहीं सकता। मिसेस वाइट कमेंट्स ऑन हाउ रिडिकुलस द सार्जेंट मेड स्टोरी वाज, बट रिमार्क दैट 200 pounds कुडंट डू एनी हार्म। अब मिसेस वाइट फिर से मजाक उड़ाती मेजर मॉरिस का, मैंने कहा था ना कि ये पंजा कुछ नहीं कर सकता, ये कोई जादू वादू होता नहीं है, और मांग भी लिया तो 200 pound मांग लिया, कुडंट डू एनी हार्म, उससे ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं हो सकती। They cut Herbert jokes if the money fell out of the sky onto his father's head. फिर से हर्बर्ट मजाक करता है, 200 डॉलर 200 pound आसमान से गिर जाते पप्पा के ऊपर तो शायद बात समझ में आती। मिस्टर वाइट आंसर्स दैट द पीपल ऑफन मेक मिस्टेक कोइंसिडेंस
फॉर ग्रांटेड विशेस। मिस्टर वाइट कहते कि कभी-कभी एक कोइंसिडेंस हो जाता है और लोग इन गलतियों से अपनी इच्छाओं को पूरी हुआ ऐसा मान लेते हैं। हर्बर्ट देन लीव्स फॉर वर्क। ये सब बातें चीतें हो रही थी। हर्बर्ट फिर अपनी ड्यूटी पर अपने काम पर चला गया। क्या पंचा अपना असर दिखाता है? लेटर दैट डे, कहानी का तीसरा दिन। उसके बाद में मिसेस व्हाइट नोटिसेस अ स्ट्रेंजर आउटसाइड ड्रेस्ड इन नाइस क्लोथ्स। मिसेस व्हाइट ने देखा बाहर कोई अजनबी इंसान बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ खड़ा है। द स्ट्रेंजर हेसिटेंटली अप्रोचेस देयर गेट 3 times। बहुत जल्दबाजी में वो 3 बार उनके गेट के पास आया बिफोर ओपनिंग इट, खोलने के पहले, एंड कमिंग अप टू द डोर, और फिर चढ़ते हुए वो दरवाजे के पास आया। मिसेस व्हाइट अशर्स हिम इन। मिसेस व्हाइट उन्हें अंदर बुलाती है। ही नर्वसली स्टेट्स दैट ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉ एंड मगिंस। उसने आकर जल्दबाजी में बताया कि वो मॉ एंड मगिंस कंपनी का प्रतिनिधि है, हर्बर्ट एम्प्लॉयर, हर्बर्ट का एम्प्लॉयर है। मिसेस व्हाइट आस्क वेदर हर्बर्ट इज ऑल राइट। मिसेस व्हाइट ने पहला सवाल पूछा, हर्बर्ट जो सुबह सुबह काम पे गया है ठीक ठाक तो है ना कंपनी में? एंड रिप्रेजेंटेटिव सेज ही इज हर्ट। रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि वो जख्मी हो गया है, बट इन नो पेन, पर दर्द कुछ भी नहीं है। फॉर अ मोमेंट मिसेस व्हाइट फील्स रिलीव्ड। जब इन नो पेन कहा तो मिसेस व्हाइट को थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि ठीक है, जख्मी तो हुआ है पर दर्द कुछ भी नहीं है। पर बाद में उसने रियलाइज किया, अंटिल शी रियलाइजेस दैट हर्बर्ट फील्स नो पेन बिकॉज ही इज डेड। उस मॉ एंड मगिंस के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अभी उसको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, इसका मतलब होता है कि वो मर चुका है। मरे हुए आदमी को कहाँ से दर्द होगा? मिसेस व्हाइट को जैसे ही सेंटेंस का पता चला, द रिप्रेजेंटेटिव सेज दैट हर्बर्ट वाज कॉट इन द मशीनरी। उस प्रतिनिधि ने आकर बताया रिप्रेजेंटेटिव ने कि हर्बर्ट मशीन में पकड़ा गया, मशीन में आ गया था। आफ्टर ए पॉज मिस्टर व्हाइट सेज दैट हर्बर्ट वाज द ओनली चाइल्ड दे हैड लेफ्ट। हर्बर्ट तो उनका इकलौता बेटा था। मिस्टर व्हाइट कहने लगे, एम्बरेस्ड द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंस इज दैट ही इज सिंपली ओबेइंग मॉ एंड मगिंस ऑर्डर। मैं जानता हूँ ये घड़ी बहुत दुख वाली है, पर कंपनी के कुछ प्रोटोकॉल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड ही देन एक्सप्लेन्स द कंपनी विल नॉट टेक द रिस्पॉन्स एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेथ। मरे हुए व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी कंपनी तो नहीं लेगी, पर द डेथ बट विल गिव द वाइट्स 200 pounds। पर मिस्टर एंड मिसेस वाइट को वो 200 pound देंगे। मिस्टर वाइट स्ट्रिक्स एंड मिस्टर वाइट फेंट्स। जिस 200 pound की इच्छा को पंजे के सामने इच्छा की थी मिस्टर एंड मिसेस वाइट ने, अब इस प्रकार से वो 200 pound का आंकड़ा उनके सामने आया। और मिसेस वाइट तो चिल्लाकर चिल्लाती रही, एंड मिस्टर वाइट फेंट्स। मिस्टर व्हाइट वही बेहोश होकर गिर जाते हैं। कहानी का तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर एक अलग क्लाइमेक्स की तरफ कहानी को जेकब्स लेके जाते हैं। इन पार्ट 3 द वाइट्स बरी हर्बर्ट। अब बेटा मारा गया है, कंपनी में मशीन में फंसकर मर गया है वो, और अंत्यविधि कर दिया है मिस्टर एंड मिसेस व्हाइट ने अपने बेटे का, उसको दफन कर दिया है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सेवरल डेज पास, एंड द कपल फील्स एग्जॉस्टेड एंड होपलेस। मिस्टर एंड मिसेस वाइट ने सारी उम्मीदें खो दिए थे। उनको थका हुआ लग रहा था। अब जिंदगी में कोई भी इच्छा है उनकी बची नहीं थी, क्योंकि उनका इकलौता बेटा इस प्रकार से मारा गया था। मंकीज पॉ से 200 pound की इच्छा तो मांगी थी, पूरी भी हो गई, पर इतनी कीमत उनको देनी पड़ेगी इसका अंदाजा नहीं था। पर एक ही इच्छा मांगी थी। अ वाइट वेक्स अप एंड हियर्स हिज वाइफ क्राइंग बाय द विंडो। दूसरे दिन जब मिस्टर वाइट उठते हैं तो बीवी को रोता हुआ देखते हैं खिड़की के पास में। ही जेंटली अर्जेस हर टू कम बैक टू बेड, बट शी रिफ्यूजेस। वो उसको कहते हैं कि आ जाओ और सो जाओ, आराम करो। ही डोजेस अप अगेन अंटिल मिसेस वाइट सडनली क्राइज आउट दैट शी वांट्स अ मंकीज पॉ। मिस्टर व्हाइट सोने को जाते हैं, नींद लगने ही वाली थी कि मिसेस व्हाइट फिर से चिल्लाकर उठती है और मिस्टर व्हाइट से वो मंकी का पॉ मांगती है। शी वॉन्ट्स द मंकी पॉ। मिस्टर व्हाइट समझ नहीं पाए कि
मिसेस वाइट को वो मंकी का पॉ क्यों चाहिए? इन हिज ट्रीज एक पागलपन की लहर से दौड़ गई थी। शी टेल्स हिम टू गो डाउन स्टेयर्स, अभी के अभी नीचे जाओ, एंड विश हर्बर्ट बैक टू लाइफ। और इस मंकी के पॉ से आप इच्छा मांग सकते हैं, तीन इच्छाएं पूरी होंगी, आप अभी के अभी हर्बर्ट को जिंदा कर दो। मिस्टर वाइट रेजिस्ट एंड टेल्स हर दैट हर्बर्ट्स डेथ एंड द 200 pounds दे हैड रिसीव्ड हैड नथिंग टू डू विद हिज विश द प्रीवियस नाइट। वो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं कि मशीन में फंसकर हर्बर्ट मारा गया है, मैंने रात में जो 200 pound की इच्छा की थी उसका और उसकी मौत का संबंध नहीं है। वो समझने का और समझाने का प्रयास कर रही है, को इंसिडेंट हो सकता है, पर माँ है, अपने बेटे के मौत के दुख को भुला नहीं पा रही है। मिस्टर वाइट सेज दैट ही डिडंट वांट टू टेल हर बिफोर, बट हर्बर्ट वाज सो मैंगल्ड दैट ही हैड टू आइडेंटिफाई द बॉडी बाय लुकिंग एट द क्लोथ्स। पर मिसेस वाइट जिस इच्छा को जाहिर करती है कि मेरे बेटे को अभी के अभी आप जिंदा करो, दूसरी इच्छा मांग लो, तो मिस्टर वाइट बताना नहीं चाहते थे मशीन में फंसने के कारण उनका बेटा उसका शरीर पूरी तरह से विद्रूप हो गया था। वो बॉडी को पहचान भी नहीं पा रहे थे, इतना विद्रूप लग रहा था चेहरा, सिर्फ कपड़ों की वजह से वो जान पाए। मिसेस वाइट डजंट लिसन, पर माँ माँ है, मिसेस वाइट इस बात को समझना नहीं चाहती। हाउएवर एंड कंटिन्यूज टू इंसिस्ट ऑन विशिंग हर्बर्ट बैक टू लाइफ विद द मंकीज पॉ। मैं कुछ नहीं जानती बेटा कैसा दिख रहा था मरने के बाद में, कि चेहरा कैसा हुआ था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे अपना बेटा जिंदा वापस चाहिए। ऐसा मिसेस वाइट उनके सामने रट लगाने लगी। मिसेस वाइट रिट्रीव्स द पॉ फ्रॉम इट्स प्लेस डाउनस्टेयर्स। मिस्टर वाइट उस पंजे को उसकी जगह से लेकर आते हैं। मिसेस वाइट ऑर्डर्स हिम टू मेक द विश टू मोर टाइम्स अंटिल ही फाइनली कंप्लाइज। कई बार उसको बार बार बताती है मिस्टर वाइट को कि आप इच्छा मांगिए, और फिर पत्नी के जोर देकर कहने के कारण मिस्टर वाइट अपनी इच्छा को मांगते हैं। ही मेक्स द सेकंड विश एंड एज द वेट द कैंडल गोज आउट, और फिर वो दूसरी इच्छा जाहिर करते हैं, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, उस मंकी के पाव को कहा। और जैसे ही उन्होंने इच्छा मांगी, वो जो मोमबत्तियां वहां पर जल रही थी बुझ गई अचानक। ये है जैकब के कहानियों का तिलिस्म, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तरह। इस प्रकार के बहुत सारी चीजों को जैकब अपनी कहानियों में इंक्लूड करते हैं। दे हियर द क्लॉक द क्रेक ऑफ द स्टेयर्स, और फिर जीने से उतरने की किसी की आवाज आती है, एंड द साउंड ऑफ द माउस। एट लास्ट मिस्टर वाइट गोज डाउन स्टेयर्स, पर ये चूहा था, और वो फिर नीचे चले जाते हैं। हिज मैच गोज आउट, माचिस भी नहीं जलती, एंड बिफोर ही कैन स्ट्राइक अनदर हियर्स अ नॉक एट द डोर। मोमबत्ती बुझी हुई है, वो माचिस से जलाना चाहते हैं पर माचिस भी काम नहीं कर रही। इतने में दरवाजे पर फिर से किसी की टक टक की आवाज आने लगी, बहुत जोर जोर से। अनदर नॉक साउंड्स, फिर से आवाज आ रही, एंड मिस्टर वाइट डैशेस अपस्टेयर्स। मिस्टर वाइट फिर से अपस्टेयर ऊपर चले गए। मिसेस वाइट हियर्स द थर्ड नॉक। मिसेस वाइट ने तीसरी बार दरवाजे पर वो थर्ड थर्ड की आवाजें सुनी एंड सेज इट इज हर्बर्ट। अरे मैं कह रही हूं कि हर्बर्ट ही होगा दरवाजे पर। शी रियलाइजेस ही हैडन्ट रिटन राइट आफ्टर द विश हैड बीन मेड बिकॉज ही हैड टू वॉक 2 miles फ्रॉम द ग्रेवयार्ड टू देयर हाउस। मिसेस वाइट अपने आप को समझाने का प्रयास करती कि हमने उसे कई माइल्स दूर, 2 mile के अंतर पर हमने दफन किया था, वहां से जिंदा होकर घर तक पहुंचने में वक्त लगा होगा, इसलिए इच्छा मांगते बराबर वो यहाँ पर पहुंचा नहीं है। मिस्टर वाइट बेग्स हर नॉट टू ओपन द डोर, पर मिस्टर वाइट कहते हैं दरवाजा मत खोलो। बट शी ब्रेक्स फ्री एंड रन्स डाउन स्टेयर्स, पर माँ है कि मानती नहीं, वो बेटे को देखना चाहती है जिंदा, वो नीचे दौड़ कर आती है। एज शी स्ट्रगल्स टू रीच द बोल्ट, वो प्रयास कर ही रही दरवाजा खोलने का, द नॉकिंग बिकम्स मोर इंसिस्टेंट, और वो दरवाजे पर ठोकने की आवाजें और बढ़ती जा रही है। मिस्टर वाइट सर्चेस फ्रेंटिकली फॉर द पॉ, पर मिस्टर वाइट डर गए थे, क्योंकि बेटे को मरे हुए बेटे के विद्रूप चेहरे को उन्होंने देखा था, अगर वो वैसा ही वापस लौट आया तो। इसलिए इमीडिएट मिस्टर वाइट उस पंजे को ढूंढते हैं विच हैड ड्रॉप्ड टू द फ्लोर, जो फर्श पर गिरा हुआ था। एज मिसेस वाइट पुल्स बैक द बोल्ट, जैसे ही मिसेस वाइट दरवाजा खोलने के लिए बोल्ट खोल देती है,
मिस्टर वाइट फाइंड्स द पॉ। मिस्टर वाइट को वो पंजा मिल जाता है एंड मेक्स अ फाइनल विश, और वो अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हैं। द नॉकिंग स्टॉप्स। वो दरवाजे पर जो ठक ठक की आवाजें आ रही थी वो अचानक बंद हो गई एंड मिसेस वाइट क्राइज आउट। मिसेस वाइट जोर से चिल्लाती है। मिस्टर वाइट डैशेस डाउनस्टेयर्स एंड सीज दैट बियॉन्ड द डोर द स्ट्रीट इज एम्प्टी। तीसरी इच्छा जो उन्होंने जाहिर की थी, अपने बेटे को वापस भेज दिया उन्होंने। वो उस हालत में उसको देखना नहीं चाहते। जब दरवाजा खोलकर बाहर देखा, रास्ता वैसे ही निर्मनुष्य था, वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। कहानी खत्म हो गई। मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट की और हर्बर्ट के मरने की कहानी है द मंकीज पॉ। मिस्टर सर्जन मॉरिस ने जिस प्रकार से उस पंच को लाया था, तीन इच्छाएं क्या क्या करामात दिखा सकती है, इसको बताने का प्रयास भी किया था, पर मिस्टर एंड मिसेस वाइट अपने आप को रोक नहीं पाए और उसकी कीमत उनको बेटी की जान से अदा करनी पड़ी, देनी पड़ी। थैंक यू वेरी मच। लेट अस होप दैट दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इन ए इजीएस्ट मैनर। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन ग्रामर प्लानिट बाई डॉक्टर उमेश बंसोड और यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।